सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल अब तक हमने श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने आपको काफ़ी हद तक डिटेल में बता दिया है एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी जानकारी ले ली है। एन कौन कौन से क्वांटम नंबर थे? NLMS, ठीक है। अभी क्वांटम नंबर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने आपको हर डिटेल में डिस्कशन किया है सब चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया देखो, थोड़ा बहुत तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ही चुका है, बट फिर भी एक हम डिटेल बिट आइडिया और फिर से लेंगे ताकि हमें और डिटेल में डिस्कशन करने को मिले, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज करने के प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक मेरा बच्चा आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे अगर आपको कल की बात होगा तो एन इक्वल टू वन, वन में कितना होता है? सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, वन एस। अच्छा, एक बात और याद होनी चाहिए आपको, एस पी डी एंड एफ जो मैंने ये बताया था, ये सबशेल भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबशेल। और सबशेल के अंदर क्या रहते हैं? मेरे ऑर्बिटल्स रहते हैं। जैसे एन इक्वल टू वन एक एनर्जी सेल है, एन उस एनर्जी सेल में एक सबशेल है, कौन सा है? एस सबशेल है, ठीक है। और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, क्या है? एक ऑर्बिटल है, ठीक है। एन इक्वल टू टू में टू एस है और टू पी है। तो 2s के अंदर एक ऑर्बिटल है, 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल थे याद है आपको? px py pz याद है, जिसमें हम हमेशा जीरो को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? pz रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको मैंने m = 0 बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब n क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा एनर्जी सेल रिप्रेजेंट करता है। l क्या रिप्रेजेंट करता है? सब सेल रिप्रेजेंट करता है। जबकि m क्या रिप्रेजेंट करता है? m मेरा रिप्रेजेंट करता है बेटा ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को, ओके। नाउ अब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? तो आपको याद होगा स्पिन को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो ऐसे, ऊपर वाला क्लॉकवाइज जिसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर, नीचे वाला माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम। क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस हाफ। तो ये मैंने आपको कल बता दिया शायद, मैंने सब प्लस हाफ माइनस हाफ का कॉन्सेप्ट दिया था ये ऊपर। तो प्लस हाफ को ऊपर से डिनोट करते हैं, माइनस हाफ को नीचे वाले एरो से डिनोट, हाफ एरो से, ठीक है। एन इक्वल टू थ्री में कौन कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबसेल है? 3s है, 3p है और 3d है। 3s में एक सबसेल, 3p में कितने सबसेल? दो सबसेल। 3d में कितने सबसेल होंगे मेरे? पांच ऑर्बिटल होंगे, सॉरी 3d सबसेल में पांच ऑर्बिटल होंगे। नाउ n इक्वल टू 4 में 4s, 4p, 4d एंड 4f। अगर इस 4f की बात करूं, बाकी तो आपको पता ही है इसमें कितने होते हैं। 4f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। इसका मतलब s में कितने ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p में 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। d में 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी में मतलब s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, s सब सेल में टोटल नंबर ऑफ दो ही इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। p सब सेल में, मैं p ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूं, p सब सेल मतलब होल p सब सेल 6 करता है, बट एक p ऑर्बिटल दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। तो कभी-कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी घुमा के पूछ देता है कि एक p ऑर्बिटल में कितने होंगे, तो बहुत सारे लोग 6 टिक मार के आ जाते हैं। बट समझिए, p सब सेल बोला है कि p ऑर्बिटल बोला है, वैसा ही d में कितने होते हैं? dx dxy dyz dzx dx2 - y2 dzz2, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्योंकि इन सब की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। तो एक टोटल डी सबसेल में 10 होता है, एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड according to off-book
प्रिंसिपल, ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो अब ये ऑफ वो प्रिंसिपल कहता क्या है तो समझिए, ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहता है। ऑफ वो प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। आप इलेक्ट्रॉन को किसके अकॉर्डिंग फिल करोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है भैया, आप कैसे पता करोगे? एनर्जी ऑफ किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल वैल्यू, उसके एन प्लस एल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हो, ठीक है। नाउ जैसे सपोज करो मैं 2s और 2p की बात कर रहा हूं, 2s और 2p में, 2s और 2p में इसकी वैल्यू कितनी हुई, n, n की वैल्यू तो 2 हुई और l की वैल्यू 0 हुई, तो ये 2 हुआ, n plus l की वैल्यू 2 हुई। और 2p की वैल्यू कितनी है, 2 plus 1 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, 2s की 2p से एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं 4s और 4p, 4s में कितना, 4 plus 0 4, 4 plus l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए 1 होती है, तो 4 plus 1 5, इसका मतलब 4p की एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ अगर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, मतलब पहले कम एनर्जी वाले में जाएगा,
फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हम फिल करते जाएंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? और अगर मान लो एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो जिसकी एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब पहले लो एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आपको सबसे पहले पहले ये चेक करना पड़ेगा कि n प्लस एल की वैल्यू किसकी कम है। तो जिसकी कम n प्लस एल वैल्यू है उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। तो n प्लस एल वैल्यू ये सबसे कम है तो पहले इसमें जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। देखो अब कैसे, 1 प्लस एस मतलब n 1 प्लस 0 1, 2 प्लस एस 2, 2 प्लस 1 3। तो पहले 2s में गया, उसके बाद फिर 2p और 3s में जाएगा। कैसे, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 0 0। देखो इसकी भी n प्लस की वैल्यू l की वैल्यू 3 है और इसकी n प्लस की वैल्यू 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहां एंटर करेगा, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्रेटर n हैज ग्रेटर एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कैसे हमें फिल करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा, फिर उसके बाद। तो ये मैं आपको जो समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि कभी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? ये कहता है मेरा ऑक्बो रूल, इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी 3d और 4s। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p के बाद कहाँ एंटर करेगा, 3p के बाद से एंटर कर 4s में एंटर कर रहे। देखिए क्यों, देखिए अगर मैं बात करूं 3 प्लस d कितनी वैल्यू आ रही है 5 और 4 प्लस s कितनी आ रही है 4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले 4s में एंटर करेगा। हालांकि आप ये सोच रहे हो सर ये 3p है ये 3d है तो d ये तो थर्ड सेल में ही है, तो थर्ड सेल को पहले कंप्लीट करेगा बाद में फोर्थ सेल में जाएगा, ऐसा नहीं। आपको हमेशा n प्लस l के वैल्यू के अकॉर्डिंग करना, जिसकी n प्लस l की वैल्यू सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, ठीक है? तो n प्लस l की वैल्यू इसमें कम है तो 3p के बाद सीधा 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा, फिर 4p आएगा। अब देखो 3d 4s में अभी 4p 3d इसका 3d n प्लस l की वैल्यू 5 है और 4p की n प्लस l की वैल्यू 5 है, तो आप बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? वेरी गुड, 3d में जाएगा क्योंकि इसकी n की वैल्यू छोटी है। आई बात समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर कैसे होगा, 1s होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद क्या आएगा 3d, फिर 4p, फिर 4p, फिर 4p के बाद आएगा मेरा 5s, उसके बाद आता है मेरा 5s के बाद आता है 4d, 4d के बाद मेरा आएगा 5p, 5p के बाद आएगा 6s एंड सो ऑन। तो यहां तक हालांकि उतने हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, यहां तक अपना काम चल जाता। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कैसे एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग इसमें मैंने ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है। यहां तक आपको बात समझ में आई? ओके, ये पहला रूल था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, ये पहला रूल था। सेकेंड रूल हम जो बात करते हैं वो है मेरा हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो पहले तो ये बात समझो मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिसिटी देखो इसका मतलब ये होता है, मल्टीप्लिसिटी इज नथिंग बट मॉड ऑफ 2s प्लस 1 where s is equal to क्या है मेरा, s is equal to n into half और n मेरा क्या है number of unpaired electron, number of unpaired electron, ठीक है? अभी ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बस फिलहाल के लिए मैं आपको formula समझा रहा हूँ तो आपको clear हो जाएगा, ठीक है? s मेरा total spin भी बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, total स्पिन बोलते हैं। S मतलब टोटल स्पिन और n मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? इस मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए बात, अगर मान लीजिए ये मेरा p ऑर्बिटल है, ठीक है? p ऑर्बिटल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने भर दिए 4, तो 1 2 3 4 आपके पास अनपेयर्ड, अनपेयर मतलब ये इनके साथ कोई पेयरिंग नहीं है भाई, ये सिंगल है, ये मिंगल नहीं है किसी के साथ,
तो इसका मतलब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी हुई 2, n की वैल्यू 2 ही, मतलब s की वैल्यू कितनी हुई 1, तो s की वैल्यू 1 मतलब 1 into 2 plus 1 कितना होगा 3, तो यहां पे मेरा मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जा रही है 3 हो जा रही है। तो यहां तक आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही होगी बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ तो ये है मेरा मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हुआ, ठीक है। नाउ इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इसके डेफिनेशन लिख देता हूं, इट्स सेड दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs only after the subshell, only after the subshell is completely half filled. आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी कर सकते हो जब कम से कम हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। जैसे सपोज करिए आपको डी को फुलफिल करना है, ठीक है, आपके पास सपोज करो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट, आप सोचो सर ऐसे कर सकते हो, सॉरी पांच करना है ना, तो पांच, तो आप 6 कर सकते हो ऐसे, हाँ भरने में कम भर सकते हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सब ऑर्बिटल में क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, ठीक है। अब ये बोले सर आपने ऊपर वाला भी एरो क्यों दिया, आपकी मर्जी, आप नीचे वाला एरो भी दे सकते हो, उसमें कोई यहाँ पे कोई बेसिक रूल है नहीं। मैं बोलूंगा सर मैं ऐसे भरूंगा, तो आप ऐसे भी भर सकते हो, इसमें कोई बेसिक रूल नहीं है, बट जनरली हम ऊपर से ही भरते हैं, तो इसे जनरली ऐसे भरते हैं, बट ऐसा कोई डेफिनेशन डेफिनेट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही भरना है, आप नीचे वाले एरो से भी भर सकते हो, ठीक है। अब पेयरिंग स्टार्ट करनी है तो भैया या तो आप यहाँ कर दो, यहाँ पेयरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आना चाहिए बिफोर पेयरिंग, तभी आप पेयरिंग कर सकते हो, नहीं तो ये मेथड गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा रूल आता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम के अंदर, मतलब किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम, चारों सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, मतलब n l m और s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है, जनरली यही कहता है मेरा, तो ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसका स्टेटमेंट, no two electron can have same set of quantum, no two electron have can same set of quantum number। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको, हालांकि ठीक है, 1 2 3 4 डी में है, मान लो ये m जीरो पे है मेरा, m जीरो है मतलब dz स्क्वायर, जिसको हम हमेशा dz स्क्वायर डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, और एक बात और, कभी भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हो, क्यों, क्योंकि सेम स्पिन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेम स्पिन हो जाते हैं, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर ऐसे, अगर मैं आपको समझाऊं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्पिन कर रहा है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से स्पिन कर रहा है, तो इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बरोबर, तो वो ऐड हो जाएगा, जिसके कारण ये लेस स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए जनरली हम क्या मानते हैं, अगर एक ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे, तो एक ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जब कैंसिल आउट करने के कारण होता है, मतलब स्पिन
बिकम मोर स्टेबल एंड बिकम मोर। देखो ये सब चीजें आपको किताब में बहुत कम दी हुई है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप ऐसे भी क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि सेम स्पिन हो जाएगा, सेम स्पिन हो जाएगा, स्पिन मोमेंट जुड़ जाता है जिसकी वजह से एटम्स अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम एक ऊपर वाले एरर देते हैं तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को हम नीचे वाले एरर देते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था dz स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो ये सपोज करो 3d का है, ये क्या है 3d का है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसमें भी कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम नंबर आप कैसे लिखोगे, n की वैल्यू तो कितनी हो गई 3 हो गई, l की वैल्यू d के लिए कितनी हो गई 2 होगी, m की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बोला कहां पे 0 पे है, s की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 3 होगा, l इक्वल टू 2 होगा, m इक्वल टू 0 होगा, लेकिन s हमेशा माइनस हाफ होगा। मतलब इसका मतलब कहीं अगर तीन सेम हो भी गया, चौथा क्वांटम नंबर हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अदरवाइज ये अगर मान लो ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, तो ये कुछ इस तरीके से होता था जो कि पॉसिबल नहीं है, एटम हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा उस केस में। इसलिए हम एक प्लस हाफ देते और एक माइनस हाफ देते। तो यहां तक आपको बातें समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं तो ठीक है ना, अगर मैं देखो नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो देखे समझिए बात को थोड़ा। अगर ये जो है कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैं आपको बिफोर मतलब किसी हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने से पहले ये फॉर्मूले आपको थोड़े याद रखने होंगे, ठीक है। नोट, ठीक है, पहला फॉर्मूला, ठीक है, इसको कलर से ही लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर अच्छा दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, क्या होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकंड मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल के इसका फॉर्मूला बनता है 2l+1। ये मैं एक एक चीज आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है ये मेरा, ठीक है। तीसरा है मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। फोर्थ वन इज आवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, 2 into 2l plus 1। देखो ऑर्बिटल ये है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबशेल 2l+1, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल, तो 2 into 2l+1, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल ही है एक्चुअली, ये भी सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखो शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने ऑर्बिटल होंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फिफ्थ पॉइंट, इफ एनी आयन गेट्स अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, देखो अगर किसी आयन में, आयन मतलब आयन कब फॉर्म होगा बेटा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
और एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उस वजह से क्या होता है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें क्या होगा बेटा, उसमें उसका कलर जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या पॉसिबिलिटी देता, कलर जनरेशन का पॉसिबिलिटी देता। देन इट इज कलर्ड आयन एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है तो उस सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक इन नेचर बोलते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा, इफ एनी आयन हैज ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, इफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन देन इट इज कलरलेस, देन इट इज कलरलेस एंड डाई मैग्नेटिक इन नेचर, मतलब उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आए होंगे। तब यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। किसका फॉर्मूला जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो जैसे बात करूं मैं 6-7 फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बोर मैग्नेट्रॉन के वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वेयर एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या चालू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चालू कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना किस तरीके से, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। हीलियम है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है। लिथियम है, लिथियम का 3 है। हाइड्रोजन का 1 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, याद करिए 1s में जाएगा। तो एनर्जी ऑर्डर में लिख दूं कि शायद आपको, आप पलट के देख लोगे, तो आप पलट के देख लेना एनर्जी ऑर्डर जिस तरीके से लिखा था, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भेजना है। तो सबसे पहले लोवेस्ट सेल में कौन से में जाएगा, 1s में जाएगा। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हालांकि s 2 ही अकोमोडेट करता है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s, 1 ऑर्बिटल को मैं डब्बे से रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाउ हीलियम मतलब 1s2, तो 1 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 है तो 1s2, 2 इसमें चलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वेरी गुड, 2s में जाएगा। देखो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, 2s, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s1, तो 1 ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे। इस तरीके से आप बोल सकते हो, मैं सर ऐसे भी देखना चाहता हूं, दैट्स चॉइस इज योर्स, के लिए कोई परफेक्ट रूल नहीं है। बेरिलियम 4, इसको क्या बोलेंगे, 1s2 2s2, ठीक है, मतलब 2 ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है। बोरोन 1s2 2s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, 5वां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, वेरी गुड, उसके बाद देखिए 2p है, 2p में आ रहा था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे फिर से बता दे रहा हूं, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, पहले यहां भरना, फिर यहां भरना, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p 4s में। आई बात समझ में, तो यहां जो हो गया, इसके बाद कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 2p में जाएगा। तो 2p 1, अगेन यहां पे 2, यहां पे भी 2। 2p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी कोई सर्टेन रूल नहीं कि आप यहां पे है, आप यहां पे भी देख सकते हो, आप यहां पे भी देख सकते हो, दैट चॉइस इज योर। अब जैसे एक होटल है, आप होटल का कमरा पूरा खाली है, तब आप क्या, आप कहीं पे भी तो रूम ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली हम आलस के बन के आ जाते हैं, जो छोड़ो जो पहला रूम उसे एंटर कर जाते हैं। तो किताब वगैरह में दिया रहता है कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, बट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। कार्बन की वैल्यू होगी 6, तो 1s2 2s2 2p2, इसका मतलब अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और 2p
की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। कैसे? अगर बात करो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बी एम। इसका मतलब कितना होगा, टू टू प्लस टू फोर, फोर टू जा एट, तो रूट एट बोर मैग्नेट्रॉन। तो मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपको सपोज करो इसका क्वांटम नंबर लिखना है, तो इसका क्वांटम नंबर कैसे लिखोगे, तो ये सब ये किस में, ये पी एक्स होता है, ये पी जेड होता है, और ये पी वाई होता है। तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो जनरली ये m माइनस वन होता है, ये जीरो होता है, ये प्लस वन होता है, ठीक है। आप तो ये बात समझ ही रहे होगे, ठीक है, कैसे करना है। अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन का, मुझे अगर क्वांटम नंबर लिखना होगा तो n की वैल्यू कितना लिखूंगा, टू, क्योंकि टू सेकंड सेल में है। l कहां पे, किस सब सेल में है, p सब सेल में, तो l की वैल्यू वन होगी। m की वैल्यू कहां होगी मेरी भैया, बीच वाले में, इसलिए m, क्योंकि याद करिए m की वैल्यू कहां से कहां थी, माइनस सेल से प्लस सेल था, तो माइनस वन जीरो प्लस वन, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो माइनस वन को पी एक्स रिप्रेजेंट कर दो, जीरो को पी जेड, जीरो हमेशा जेड ऑर्बिटल वाला रहेगा, ये बात याद रखना, और प्लस वन हो जाएगा पी वाई। तो यहाँ पे एम जीरो पे है, और एस मेरा प्लस हाफ भी ले सकते हो और माइनस हाफ भी ले सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक बात और गौर करना, कभी भी एल की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती है, यही बात समझ, कभी भी एन की वैल्यू एल से बड़ी हो ही नहीं सकती, इवन तो बराबर भी नहीं कर सकते आप। कैसे, अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो और n की वैल्यू भी 2 लेते हो, तो इसका मतलब होता है 2d, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ना तो ये बड़ा होगा। तो याद रखना n शुड बी लेस देन l, ये बात को याद रखना, शुड बी ऑलवेज, इक्वल टू भी आप नहीं लगा सकते, शुड बी लेस देन, हमेशा कम ही रहेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। मैं सिर्फ स्टार्टिंग है 10 के आपको ऑर्बिटल के डायग्राम पे बताऊंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। 1s2, 2s2, फिर इस तरीके से 2p3 को कैसे करेंगे, 1, 2, 3। अब आप बोले सर नहीं मुझे तो ऐसे रिप्रेजेंट करना, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन 8 है मेरा, ऑक्सीजन 8 हो गया, मतलब 1s2, 2s2, 2, 2, 4, 2p4, तो 1s2 इस तरीके से जाएगा, 2s2 भी इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आपको बस इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बात बताओ, हंस रूल अब यहाँ पे आएगा। हंस रूल क्या कहता था, पेयरिंग आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब तक कम से कम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब आप बोलो सर मैं यहाँ करूं या यहाँ करूं, पेयरिंग आप कहीं से भी कर, मैं यहाँ से कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन रूल क्या कहता है, कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में होने चाहिए, यही तो हंस रूल कहता था ना। अब उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन इज 9, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p5, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सर्टेन, अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। आप एक काम करो, ऐसे 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 कर दो सबको। आप बोलो सर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, कोई इशू नहीं है। आप बोलो सर मैं ऐसे करूंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं। आप बोलो सर मैं ऐसे करूंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं, लेकिन रूल क्या कहता है, कम से कम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने, बाकी पेयरिंग आप कैसे भी कर सकते, दैट चॉइस इज योर, उसके लिए कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक है। नियॉन की बात करूं, नियॉन 10 है, तो मतलब ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब ये क्या हो जाता है बेटा, अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, सब में दो इलेक्ट्रॉन चले गए, अब पी में कितने चले गए, सब में अब दो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये देखिए, देख रहे सब फिल हो चुके हैं, इसका मतलब ये स्टेबलाइज्ड है, आई बात समझ में, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बोलते हैं। इसके बाद आता है सोडियम, सोडियम का 11 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, याद करिए 3s में जाएगा, यार वेरी गुड, तो 10 तो यहाँ खर्च हो गए, 3s1। अब क्या मैं इस वाले को मैं नियॉन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका, नियॉन का है,
तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आपको किताब में नियोन एंड नियोन प्लस 3S1 ऐसे भी रिप्रेजेंट से मिलेगा। तो आप ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना नहीं लिखने के बजाय, क्योंकि ये कॉन्फिगरेशन नियोन को रिप्रेजेंट करता है, तो नियोन 3S1 ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैग्नेशियम की बात करूं तो मैग्नेशियम 12 है, अगेन ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, अगेन 2p6 के बाद 3s2। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या नियॉन 3s2 आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई बस, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 13 की बात करूं तो मैं डायरेक्ट नियॉन लिखूं, 2p6 तक नियॉन हो गया मेरा, 3s2 मतलब 10, 2, 12 अब कहां जाएगा जल्दी बोलिए, 3p1 क्योंकि 3s के बाद कहां जा रहा था, 3p में जा रहा था। एल्युमिनियम के बाद क्या आ जाएगा, सिलिकन, सिलिकन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है, तो अगेन नियॉन 10, 10 तक नियॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 3p2। तो अगेन मैं ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रहा हूं, तो आप खुद भी अब बना सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात वाली नहीं है। नाउ ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद आता है मेरा फास्फोरस, फास्फोरस अगेन नियॉन 3s2 3p3 ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया सॉरी, सल्फर 16, नियॉन 10 इधर हो गए, 12 और 4 16। पेयरिंग आप अगेन इसी रूल से कर सकते हो, जैसे आपको मर्जी, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोरीन 17, नियॉन 3s2 3p5 ठीक है। अब एर्गन, एर्गन क्या है 18 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देख लो इस, ये अगेन मेरा क्या होगा, नोबल गैस है, ये भी मेरा क्या है, नोबल गैस है। आई बात समझ में। अब 18 के बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे मैं उनको अब नियॉन की जगह क्या रिप्रेजेंट करूंगा, Ar से रिप्रेजेंट करूंगा, समझ में। कैसे, पोटेशियम 19 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 18। अब 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s आएगा, 4s1। तो इतने करने की बजाय मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एर्गन लिख देता हूँ भैया, क्योंकि यहाँ तक मेरा एर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, लेकिन आप बोलोगे सर इनमें क्यों नहीं किया, ये सब में क्यों नहीं किया, बट इसके लिए आप बोलोगे सर ये क्या नाम, बेरिलियम को कर सकते हैं आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, नहीं, ये रूल है याद रखना, सिर्फ नोबल गैस को ही हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और 4s1। तो इस तरीके से मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ तक। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया मेरा। नाउ कैल्शियम 20, कैल्शियम को अगेन आर्गन 18 हो गया मेरा, 4s2 20 हो गया ये मेरा, ठीक है। नाउ स्कैंडियम जिसका 21 होता है, तो अगेन आर्गन 18, 4s2 20, और अब कहां जाएगा, 3d1। इसका मतलब आप देखो, थोड़ा बहुत मैं आपको पी ऑर्बिटल में पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि जिस जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वो उसी ब्लॉक का कहलाता है। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, बीच में डी एंड एफ ब्लॉक रहता है। तो यहां से देखो, ये वाले अभी तक कौन से थे, कैल्शियम देखो 4s में जा रहा है, मतलब ये एस ब्लॉक का है, ठीक है। क्लोरीन किस ब्लॉक का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी और पी सबसेल में जा रहा है, तो पी ब्लॉक का है। स्कैंडियम किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम कितना 22, 18 आर्गन का हुआ, 4s2 20 और 3d2 ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम का 23 होता है, इसको आर्गन, आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम, यहाँ पे मैं स्टार मार्क्स लिख रहा हूँ, क्रोमियम का 24 होता है। एक्चुअल में होना तो कैसा चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। इसका होता किस तरीके से, इसका होता Ar। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है, क्यों जंप कर जाता है मैं आपको बताऊंगा, 4s1 3d5, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाता है। किस तरीके से बन जाता है,
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होता है। 3D 4 से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, 3D 5 रहेगा। क्यों रहता है मैं आपको आगे समझा रहा हूं, बट फिलहाल के लिए याद रखिएगा हाफ फिल्ड, आगे आगे जस्ट आपको आगे बताऊंगा, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल ऑर्बिटल देन एनी अदर ऑर्बिटल। आई बात समझ में, तो ये याद रखिएगा ये बहुत एक्सेप्शन है, ये ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने स्टार मार्क्स यहाँ पे दिए। सिर्फ क्रोम दो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आते हैं, सब चिंता मत करिए, सारे चीज नहीं आते, दो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, नाउ मैंगनीज, इसका 25 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर, क्या लिखूंगा मैं जल्दी बोलो, 4s2 3d5। ओके, नाउ अगेन अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया कि एमएल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो 4s2 तो मतलब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 3d5 की बात करें, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस टू मतलब √35 bm, n इंटू एन प्लस टू, n मतलब 5, 5 प्लस 2 7, तो 7 इंटू 5 √35 bm, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा आयरन का होगा 26, तो इसको मैं 18 यहाँ चला गया, 4s2 20 3d6 होता है। आई बात समझ में, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड आयन की जैसे याद करी थी मैंने बात बोली थी आयरन आयन की, तो अगर मैं बात करूं Fe+1 और Fe+2, ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन Fe+2 और Fe+3 की बात करता हूं मैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, देखो नो डाउट न्यूक्लियस के पहले 3d आएगा उसके बाद ही 4s आएगा, तो ये मत सोचना कि मैंने यहाँ बाहर लिखा है तो पहले d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ, किसी आयन का भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो कैसे लिखना होगा, तो Fe+2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar, अब दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 4s से चले गए तो 3d6, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 अनपेयर्ड। फोर Fe+3 की बात करूं तो दो तो यहां से चले जाएंगे और एक कहां से चले जाएगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आई बात समझ में, तो यहां पे कितना बचेगा मेरे पास, Ar 3d5, मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बस याद रखना जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा पहले वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने, जितने +3 +4, मान लो अगर 4s2 है तो दो इलेक्ट्रॉन, दो से ज्यादा तो ये दे नहीं सकता, तो दो यहां से चलेगा, और फिर बोला +4 है मतलब दो गए, दो और बचे, तो दो यहां से जाएंगे, एक एग्जांपल, हालांकि ऐसे +4 नहीं शो कर सकता, एक मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो पहले आउटर मोस्ट से निकालिए, फिर उसके बाद देखिए और इनर सेल से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, इस तरीके से हम इनको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बेटा, तो ये आपको बस मैंने समझाने के तौर पर बताया था, हालांकि जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहां से मेरा हो गया ये, नाउ इसके बाद आता है मेरा कोबाल्ट जिसका 27 होता है, तो ये हो गया Ar 4s2 3d7, उसके बाद आ गया मेरा निकल, निकल का होता है 28, इसका हो जाएगा Ar 4s2 3d8, अब कॉपर, फिर से मैं बोल रहा हूं अगेन एक्सेप्शन, कॉपर, कॉपर का 29 होता है, होना तो क्या चाहिए था Ar 4s2 3d9, ठीक है, होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन
4s1 3d10 होता है, क्योंकि ये d ऑर्बिटल क्या होता है 3d10 होने की वजह से, मैंने भी बताया हाफ फिल और फुली फिल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका ये होगा, कौन सा 4s1 3d10 एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जिंक, जिंक का होता है मेरा 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 18, 4s2 20 और ये कितना हो जाएगा 3d10। ठीक है ना, वैसे 30 तक के मतलब उससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, समझो। अब आप बोले सर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है, समझिए बात को। अगर मैं बात करूँ पी ऑर्बिटल तो 1 2 3, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड 1 2 3, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की बात करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और अगर मैं बात करूँ डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन D5 की बात कर रहा हूँ, D5 की, ठीक है, आप और से देखो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सचेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, तो चार बार चेंज कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इससे चेंज कर सकता है, इससे चेंज कर सकता है, इससे चेंज कर सकता है, तीन बार चेंज किया। मैं आप समझने की कोशिश करो, ये पांच हाफ मतलब ये पांच ऑर्बिटल है डी सब शेल के, ठीक है, उसमें पांच इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है, हाफ फिल्ड है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे एक्सचेंज करना चाहे तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल, 1 2 3, आप बोलो सर यहाँ तो भैया ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो चुका है, आई बात समझ में, तो यहाँ से हम हमेशा गिनेंगे, तो 3 यहाँ से 4 प्लस 3 इसके कितने होंगे 2 प्लस 1, तो कितने टाइम्स हो गए 4 3 7 2 9 और 1 10, हर एक्सचेंज में वो एनर्जी लूज करेगा, हर एक्सचेंज में वो एनर्जी लूज करेगा, और जितनी एनर्जी लूज करता है उतना ज्यादा एटम स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर खैर पॉसिबल नहीं है तो ऑलरेडी फुल फिल्ड है तो स्टेबल ही है, तो आई बात समझ, इसलिए हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या माना जाता है, स्टेबल माने जाते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक सबको समझ में आए अच्छे से, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। डीजनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा कि हर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। कैसे, ये जैसे dx dxy dyz dz2 dx2 - y2 और dyz, ये जितने भी ऑर्बिटल है इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है हालांकि, तो इनको आप याद ही रखिएगा ज्यादा अच्छा है, रीजन भी मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है P3, उसके बाद माना जाता है P6 सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, फिर D10 माना जाता है, उसके बाद माना जाता है P3 माना जाता है, उसके बाद D5। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ बोलेंगे सर यहाँ एक्सचेंज क्यों नहीं, सर भैया ऑलरेडी फुलफिल्ड है, कहाँ से एक्सचेंज करेगा, भैया अंबानी के बेटे को कमाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसका बना बनाया बिजनेस है, तो वही हाल ही है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है ये, इनको कोई जरूरत नहीं एक्सचेंज करने की ना कुछ इलेक्ट्रॉन देने की। तो यहाँ तक आई होप सो बेटा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ है, आई होप सो आपको सबको पसंद आया होगा, और प्लीज बहुत सारे मैं गौर कर रहा हूँ कि बच्चे डाउट्स नहीं पूछते हैं, तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बेहिचक कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, टाइम लिमिट भी नहीं है इनमें। ठीक है, रात में नहीं, 10-11 बजे के नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप बिफोर 10 o'clock आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, होप सो आपने बहुत इन्जॉयमेंट किया होगा, एंड मैंने भी काफ़ी इन्जॉयमेंट किया आपको आपके साथ इंटरेक्शन करके व्हाट्सअप पे, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में होप सो मैं आपको और भी अच्छे से खूब मेहनत से आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको बहुत, क्योंकि सी केमिस्ट्री इज स्कोरिंग सब्जेक्ट इन JEE और नीट, जब तक आपका केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता तब आप JEE और नीट बहुत मुश्किल है बेटा। ठीक है, तो फोकस ऑन वेरी मच ऑन केमिस्ट्री। ओके, सो जो आवर सेशन इज एंडिंग, ठीक है, सो थैंक यू।